ये फोन पकड़ो। अरे क्या मतलब क्या हरकत आप एक बात बताओ, आपको अपने अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, है? उनका जवाब सही सही देना है। ठीक है, चल नहीं बोल, टाइम नहीं है इतना। इंस्टीट्यूट का सबसे ज्यादा होनहार बच्चा कौन सा है? सारे बच्चे अपनी जगह पे, लेकिन नहीं करते नहीं। ये जवाब गलत है। हाँ ठीक है, मुझे पता तू अपना नाम एक, सुनना चाह रहा है। एक नाम ले मुझे दो। मुझे पता तू अपना नाम सुनना चाह रहा है। नहीं, किसी का भी नाम ले दो, एक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो प्रज्ञा भी अच्छी है पढ़ने में, तू भी ठीक है? अच्छा ठीक हूँ, ठीक हूँ गाइस। ये याद रखना, ये ठीक बोला इन्होंने, एग्जैक्ट शब्द याद रखो इनके। ठीक है, और सही है बच्चे सारे हमारे। सबसे बेकार, सबसे बेकार एक ये निशा, वो बहुत दुखी करती है। ओके, तो आपके हिसाब से सबसे ज्यादा होनहार बच्चा कौन सा, कोई एक चूज करो। ओवरऑल तो कोई नहीं है, एक चूज करो चुपचाप। सब्जेक्ट वाइज बोल सकती हूँ मैं? नहीं, सब्जेक्ट वाइज बोल दो। चलो सब्जेक्ट मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी में तो अच्छा है। ओके, हिंदी संस्कृत वगैरह ये सब चीजों में प्रज्ञा अच्छी है। गाइस आप समझ चुके हो मैं जीत चुका हूँ, क्योंकि चार सब्जेक्ट में नहीं, वो मैथ और साइंस में भी अच्छी है प्रज्ञा। मेरी जितनी नहीं है लेकिन, नहीं अच्छी है, वो सेवेंथ क्लास में है तो उसके अकॉर्डिंग अच्छी है ना वो, तो वो एट क्लास में। अच्छा ओके ओके, कोई नहीं, हम यहाँ पे इसको टाइम मान सकते हैं, है ना। एंड गाइस आप अपने हाथ के दर्द के बारे में कुछ बताना चाहेंगी? क्या बताऊँ, दर्द तो है ही है, इसीलिए थोड़ा ब्रेक लिया लिखने से, क्योंकि डॉक्टर ने मना किया रेगुलर। गाइस जो इनका ये वाला जो हैंड है, राइट हैंड दिखाओ अपना, इसमें कुछ क्या हो गया, टूटन पड़ गई है? नहीं, मसल्स पेन हो गया, चोट लग गई थी ऐसे। एक्चुअली मैं गाइस मैं बताता हूँ क्या हुआ था, ये बच्चा इसकी वजह से नहीं लगी, खावा वो उसको तो आपके सर पे तो लगी थी ना, तो गाइस इस बच्चे ने जाके मम्मी को परेशान किया। फिर मम्मी जो है एकदम से उठी, फिर इनका सर उसमें डम करके लगा, और फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, फिर मेरे को गुस्सा आया, मैंने इसको एक थप्पड़ मारा। नहीं एक थप्पड़ा नहीं मारा गाइस, मैं एग्जैक्ट बताऊंगा। पहले तो मैम ने बहुत ज्यादा गुस्सा करा इन पे, इतना गुस्सा करा मैं बता नहीं सकता। फिर उसके बाद जाके पिटाई चालू हुई है। आवाज कम कर ले, कॉपीराइट आ जाएगा। बंद कर, आवाज कम कर दे। ओके गाइस, तो अब हम आपसे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। इंग्लिश में जी के बाद क्या आता है? क्या? इंग्लिश में जी के बाद क्या आता है? मुझे पता तू इंग्लिश की स्पेलिंग की पूछ रहा है। फिर भी गलत है, फिर भी गलत है। देख लो गाइस, देख लो गाइस, ENG इंग्लिश है, ENG ठीक है ना, एल आएगा इंग्लिश। ओ यार, अरे देख लो गाइस कैसे चीटर हैं ये। अच्छा अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। एक आदमी को गंजा होने के लिए 10 रुपए देने पड़ते हैं, तो 10 गंजों को गंजा होने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। मैं उस वीडियो की तरह नहीं बोलूंगी 100, मुझे पता उसमें 100 हो गया था, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी 100। ओह माय गॉड, मैं गाइस गूगल पे कुछ क्वेश्चन सर्च करने वाला हूँ रिडल्स के, जिनसे मैं इनसे पूछूंगा और उसकी एक हाईलाइट बनाऊंगा। रिडल्स ना दिखाइए, ऐसी कौन सी चीजें जो बच्चे कर सकते हैं लेकिन कभी देख नहीं सकते? बच्चे बहुत करते हैं लेकिन कभी देख नहीं सकते। क्या ऐसी कौन सी चीजें जो कि बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं लेकिन देख नहीं सकते? शैतानी? नहीं, शैतानी देखी जा सकती है तो? क्या है सोचो ना। हैं? सोच रही हूँ ना क्या है। कुछ करते हैं तो? इसका